हेड क्वार्टर साहब और हमारे सहयोगी महाग्रह के अलावे शहर के सबसे गणमान्य एवं चर्चित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सभी को मेरे तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपने मुझे मौका दिया इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सभा में कुछ बोलने का। ये बात सही है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मुझे मिला है। लगभग 8-10 महीने टाउन की तरफ और लगभग 1 साल अब नवादा की तरफ होने जा रहा है। सेवा करने का मौका मुझे मिला और शहर को जानने का बड़ा ही नज़दीक से मौका मुझे मिला। लोगों की समस्याओं के जो मैंने सुना, बाकी 2-3 समस्याएं से मैं भी वाकिफ हूँ। उसमें जाम की समस्या, ये जाम की समस्या इतनी पुरानी है शहर की। मैंने पिछले कई वर्षों का इसका अध्ययन यदि किया है, लोगों से बात किया है, ये समस्याएं नई नहीं हैं, क्योंकि सड़क की चौड़ाई बढ़ नहीं रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ तक कि व्यवसायियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ये अमूमन होना ही है। ये इसका समाधान यदि हम लोग ये बैठ करके यहाँ चाहेंगे कि जाम की समस्या सिर्फ पुलिस कर्मियों के रहने से और ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने से हो जाए, सुधार उसमें होगी लेकिन समस्याओं जड़ से नहीं मिटेगा। इसके लिए व्यवसायियों को शहर से बाहर अपना बसेरा फिर बसाना पड़ेगा। नए नए इंडस्ट्री जो बड़े स्तर पे जो होंगे, आपके दुकान जो बहुत बड़े बड़े मॉल होंगे, इसको शहर से बाहर ले जाना पड़ेगा, तभी इस समस्या से कुछ समाधान हो सकती है। क्योंकि बड़े शहरों का विस्तार यदि लंबा होता है तो समस्याएं खुद ब खुद जो जाम की समस्याएं हैं, लोग उधर ही अटक जाएंगे और अंदर नहीं आ पाएंगे, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि चौड़ीकरण होगी नहीं, चौड़ीकरण होने में भी बहुत समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि पदाधिकारियों के चार जाने से और किसी प्रभाग के चार जाने से वो चौड़ीकरण हो जाएगी, इसमें भी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो समस्याओं के निराकरण का जो सार्थक प्रयास किया जा रहा है, वाकई मैं इसको सार्थक प्रयास कहूँगा, क्योंकि मैं 2 वर्षों में जो देखा कि डिवाइडेशन और लोगों के जो चलने के तरीके हैं उसमें वाकई सुधार आया है। खासकर दहरियागढ़ की बातें हैं तो उस पर ध्यान वाकई हम लोग भी दे रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, नए नए लड़कों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो फाइन की समस्या हो या फिर कुछ और। ये तो ही दंड के प्रावधान है हमारे, आर्थिक दंड और शारीरिक दंड, तो पुलिस की तरफ से दोनों दंड कहीं ना कहीं दिए जाते हैं, लेकिन वही समय और परिस्थितियाँ भी देखनी पड़ती है, उसके अनुसार ही काम करनी पड़ती है। जहाँ तक रहे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो हम लोगों ने इधर कुछ घटनाएँ घटी है, वाकई उसका सफल उद्भेदन हुआ है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि वाकई पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहुत ही माइनॉरिटी से समस्याओं को हम लोगों के स्तर तक पहुंचाते हैं और निराकरण करने के प्रयास में रात दिन लगे रहते हैं। काम करने का तरीका बहुत ही बेहतर है। और जहां तक रही घटनाओं का, तो एक मुझे स्लोगन याद आता है, स्लोगन यही कि आप मुझे सूचना दें मैं आपको सुरक्षा दूंगा। इसकी गारंटी मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ, सूचनाएं पर ही सुरक्षा की गारंटी है। पुलिस को बहुत आपसे अपेक्षाएं, पब्लिक से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं भय रहती है, लोग उनके विरुद्ध जो अपराधी रहते हैं उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। तो गुप्त रूप से जो सूचनाएं हैं, ये एक सूचना, एक सूत्र जो है हम लोगों को वाकई बहुत बढ़िया काम करता है। यदि किसी भी व्यक्ति को लग रहा हो कि एक बात है, छोटी सी बात मैं क्यों बताने जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात ही पूरी उद्भेदन को खोल देता है। एक मोबाइल नंबर पूरे उद्भेदन को खोल देता है, एक नंबर पूरे उद्भेदन को खोल देता है। एक व्यक्ति को हम लोग उठाते हैं और उससे पूरी घटना का उद्भेदन,
आपने बगल की समस्याओं को मैंने देखा क्योंकि आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने उस दिन ही कहा कि हत्याएं कहीं ना कहीं है आसपास में। आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने जो पेशेंस रखा खासकर उस घटनाओं में कि आपके बगल में घटनाएं घटी और आप लोगों का पेशेंस बाकी आप काबिले तारीफ है। आप लोगों ने जो डेडलाइन दिया था उस डेडलाइन के पहले ही हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उस समस्याओं का उस सफल उद्घाटन हम लोगों ने किया और आगे भी करते रहेंगे। मैंने तो शब्द बोला कि आप मुझे सूचना दें, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लोग अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुले समाते, खुले नहीं समाते, एकदम खुश हो जाते हैं कि हम लोग की तारीफ करने वाले भी लोग यहाँ हैं। हम लोग अपनी जी जान लगा देते हैं आप लोगों को सुरक्षा दे दें। एसपी साहब हमारे लगातार मीटिंग करते रहते हैं। मैं तो महिला थाना अध्यक्ष हूँ लेकिन सुबह शाम रात आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैं मार्केट में घूमती रहती हूँ और आप लोग की आज तारीफ सुनकर हम लोगों के अपने बीच अच्छा लगा। धन्यवाद। दस से ग्यारह हम लोग की ड्यूटी रहती है, इसमें मेरी भी ड्यूटी रहती है, महिला थाना अध्यक्ष रहते हैं और SC ST भी प्रभारी रहती है। हम लोग लगातार वहाँ जा कर के लड़कियों का मॉनिटरिंग करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और बच्चों से भी पूछताछ करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या है। वैसे मतलब सामाजिक लड़के दिखते हैं चाय वाय के दुकान पर तो उनको हम लोग स्थानीय संबंधित थाने को ले जा करके सपोर्ट करते हैं और उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि आइए बच्चे आपके यहाँ पकड़े गए हैं। पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स के समक्ष उनको छोड़ा जाता है। ये काफ़ी अभी इफेक्टिव हो रहा है। पेरेंट्स की तरफ से भी बधाइयाँ आ रही हैं हम लोगों को थाना स्तर पर। सड़क है खासगढ़ टाउन थाना के आसपास की सड़कें पक्के सड़क जो 7 साल से कभी डैमेज नहीं हुए थे उन्हें काट दिया गया। अभी तुरंत गोयनका जी का हमको मैसेज आया था कि जैसा उस पर भी कह देना मैं नहीं आ पा रहा हूँ।